बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नन और मैं हूं भाभी। और आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नन भाभी। तो आज हमारे किचन में क्या बना है भाभी? आज हमने बहुत मज़ेदार से मुर्ग छोले बनाए हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगा। चलें ये रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हमने इसमें घी डाला है और इसमें हमने अदरक लहसुन डाल दिया। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। एक बड़े साइज की प्याज ली थी जिसको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है, वो भी ऐड कर देंगे। और इसको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। देखिए प्याज हो गई है। अब ये हमने 1 किलो चिकन लिया है हमने, ये भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको हम 10 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसमें अब हमने आधा कप हमने दही ली है, वो ऐड कर देंगे। और ये कुछ सूखे मसाले लिए हैं जिसमें से हमने खाने का 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, खाने के 1.5 चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 चम्मच हमने खाने का नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। खाने का 1 चम्मच हमने गर्म मसाला लिया है, चाय का 1 चम्मच हमने हल्दी ली है ये भी। अब इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से 5 मिनट तक भुनेंगे। ये देखिए अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इसको 5 मिनट लगातार हमने भुनाई किया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1 कप, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। तो मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको हम कवर कर देंगे अच्छे से, और इसको हम जो है जब तक पकाएंगे जब तक चिकन अच्छे से गल ना जाए। ये देखें चिकन अच्छे से गल चुकी है और मुर्ग छोले बन रहे हैं। उसमें छोले ना डले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो ये 1 प्याला हमने जो है छोले लिए हैं हमने, और इसको हमने अच्छे से गला लिया था नमक डाल के और थोड़ा सा सोडा डाल के। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गए, ये भी हम मिक्स कर देंगे इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। रेडी है अभी? हाँ ये बिल्कुल रेडी है। मुर्ग छोले बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें हम जो ये हमने हरी मिर्चें ली थी लंबी वाली, वो हम ऐड कर देंगे इस तरह। इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तैयार है मुर्ग छोले, बहुत मज़े के बनते हैं। इसको आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।